खबर सिंगरौली जिले की, जहां जियावन थाना क्षेत्र में हुए आपसी विवाद में एक युवक की मौत के बाद जिला मुख्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान घटना में घायल राजेंद्र साहू नामक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में भी हड़कंप मच गया। वहीं नेताओं ने जियावन थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड करने की उठाई मांग। देखें पूरी रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है जो आप आज ट्रामा सेंटर आए हुए हैं? कल देवसर के जटराउल गांव में राजेंद्र साहू, रमेश साहू, उनके परिवार के लोगों के साथ ब्रजेश द्विवेदी, अखंड द्विवेदी, उनके अपने पूरे टीम के साथ उनके घर में घुस के मारपीट किया। उसके बाद मृतक परिवार के लोग थाने गए। थाने से पुलिस वालों ने दवा कराने के लिए, एमएलसी कराने के लिए देवसर अस्पताल में ले जाके भर्ती करवाया। अस्पताल के अंदर पुलिस वालों के सामने ब्रजेश द्विवेदी अपने लोगों के साथ, अपने गुंडों के साथ पुनः जाके वहाँ पे मारपीट किया, जिसके कारण राजेंद्र साहू की मृत्यु हो गई। आज ट्रामा सेंटर में आते आते उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। सबसे पहले आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से ये मांग करता हूँ कि देवसर के थाना इंचार्ज जो भी हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि घटना 11 बजे का है। मृतक परिवार के लोगों ने तुरंत पुलिस को मोबाइल से फ़ोन करके सूचित किया, लेकिन चूँकि पुलिस की लापरवाही कहिए या मिली भगत कहिए, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। यदि पुलिस मौके पे पहुंचती और इसके बाद अस्पताल में अगर कड़ी सुरक्षा दी गई होती और पुलिस फोर्स बढ़ाया गया होता, तो असामाजिक तत्वों का, अपराधी ब्रजेश दुबे का हौसला इतना बुलंद न होता और अस्पताल के अंदर जाकर मारपीट न करते आज राजेंद्र साहू की जान न जाती। तो सबसे पहले हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से ये मांग है कि जिन लोगों ने, जो पुलिस अधिकारियों ने कल थाने में ड्यूटी में थे, जिनको मृतक परिवार के लोगों ने सूचना दिया लड़ाई झगड़े का, 11 बजे सूचना दी जाती है, पुलिस 3:30 बजे मुकदमा कायम करती है, उस स्टेशन प्रभारी को, थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। दूसरा, जो लोग दवा करवाने गए थे, एमएलसी करवाने गए थे, मेडिकल बनवा करवाने गए थे अस्पताल में, जो सर उनके पुलिस अधिकारियों के सामने मारपीट किया गया ब्रजेश दुबे के द्वारा, ब्रजेश दुबे के साथियों के द्वारा, उन पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, और जो भी राजेंद्र साहू के हत्या में लिप्त हैं, ब्रजेश साहू, ब्रजेश द्विवेदी, अखंड द्विवेदी और उनके जितने भी साथी हैं, उनके हत्या में जितने लोग सहयोगी रहे हों, जिनके नाम मृतक परिवार के लोगों ने, जिन जिन लोगों के नाम को बताया है, जिनको उन लोगों ने पहचाना है, सभी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब तक